क्या कहते अमृतम, कहते श्री सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, बोले निवृत तसई रूप गीयमानात भव औषध छत्र मनोविरामा। सुखदेव गोस्वामी कहते भगवान ने कथा किया है, भगवान कथा किया है, तो अगर कोई भव सागर से पार होना चाहते हैं सबसे सरल उपाय क्या है, बोले भगवान की कथा सुनो, ठाकुर जी कथा सुनो है। इसलिए वो कहते भव औषध, मतलब संसार से पार होने के लिए भगवान की कथा की दवा है, दवा जैसे खाते है ना, कहते क्या सबसे, कहते भव औषध। इसलिए भव औषध है, बोले भैया औषध तो कड़वी होता है, औषध तो कड़वी होता है, क्या भगवान की कथा कड़वी है, बोले नहीं भगवान की कथा कड़वी नहीं, बोले हृदय कर्ण रसायन। इसलिए श्री कपिल देव कहते हैं हृदय और कान को रस देता है, हृदय कान को बड़ा आनंद प्रदान करता है भगवान की कथा। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं तुंडे तांडवे ने भी तभी तनुते तुंडा बलि लगते, बोले ब्रह्मा को तो सृष्टि करना आता नहीं, इतने मीठी नाम ठाकुर जी की सुनने के लिए दो ही कान क्यों दे दिया, करोड़ करोड़ कान क्यों नहीं दे दिया, इतने मीठी नाम ठाकुर जी की एक जीवा क्यों दे दिया, अर्बुद खरबुद जीवा क्यों नहीं दे दिया। और जब हृदय में प्रवेश करता है भगवान की कथा, ऐसे लगता है जैसे मधु की झरी, मधु की धारा जैसे बरस रही है, आनंद समुद्र में जैसे हम गोता लगा रहे, आनंद समुद्र में हम गोता लगाते हैं। इसलिए भगवान की कथा क्या है, रसायन है, रसायन होता है, 10 तरह का आयुर्वेदिक मेडिसिन से बनता है, जिसको पान करने से शरीर का सारे जितने परेशानी, शरीर का सारे बीमारी परेशानी ये खत्म हो जाती है। उसी तरह अगर भगवान की कथा अगर सुनोगे, ये तो शरीर का बीमारी दूर करती है, और ये आत्मा की जो बीमारी को है ना, ये भगवान की कथा, आत्मा की जो बीमारी को ये भगवान की कथा समाप्त करती है। इसलिए उन्होंने बताया कथा नहीं ये अमृतम। इसलिए श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, कहते भगवान का एक नाम अजीत है, भगवान का एक नाम अजीत, अजीत मतलब है जिनको पाना बहुत कठिन है, बोले अगर कोई उनको पाना चाहते हैं क्या करनी चाहिए, बोले ज्ञानी प्रयास मुदुपास नमंत एव जीवंती सन्मुखरीतं भवदीय वार्ताम स्थाने स्थितं श्रुतिगतं तन्वांग मनोमी जे अजीत जित त्रैलोक्य। कहते हैं भगवान अजीत होते हुए भी, अजीत मतलब जिनको जीत इतना बड़ा कठिन, वो भी जीत जाते हैं, वो अजीत है लेकिन तब भी वो जीत जाते हो, उनको कंट्रोल कर लोगे, बोले कैसे, बोले जिसने सारे अभिमान को छोड़ करके संतों को चरण में रहते हुए उनकी मुखार बिंद से कृष्ण कथा फुट रूपी मंदाकिनी की नदी जो बहती है, कृष्ण कथा रूपी मंदाकिनी की नदी जो बहती है, जो व्यक्ति उसमें गोता लगाते रहेगा, उसमें स्नान करते हुए रहेगा, उसमें गोता लगाते रहेगा, किसकी, बोले भवता, बोले भगवान और भक्त दोनों की कथा सुनना पड़ेगा, क्योंकि भक्त को छोड़कर भगवान भी नहीं, भगवान को छोड़कर के भक्त भी नहीं, कोई किसको छोड़कर अलग नहीं, जहाँ भक्तों की कथा आएगा भगवान की कथा आ जाएगी, जहाँ भगवान की कथा आएगी भक्तों की कथा आएगा, ये दोनों की कथा सुननी चाहिए, भक्त और भगवान, ये दोनों की कथा को जो हर समय ये कथा रस को पान करते रहते हैं, बस केवल कथा सुनते सुनते भगवान अजीत होते हुए भी तब भी आप उनको जीत लोगे, तभी तुम उसको प्राप्त कर लोगे है। इसलिए कहते श्रीनान सुभद्राणी रथांग पाणी, कथा भगवान की सुनो, बोले क्यों कथा सुनेंगी, कहते रथांग पाणी जिनके हाथ में सुदर्शन चक्र है, उनका हाथ में सुदर्शन चक्र, उनका हाथों में है चक्र है, और उनकी कथा सुनने से क्या होगा, तुम्हारे हृदय में जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य हृदय में सब खत्म हो जाएगी, सब तुम्हारी खत्म हो जाएगी, कथा सुनते सुनते सब काम क्रोध लोभ से अपने आप तुम दूर हो जाओगे, जैसे आप बैठे हुए हो, जैसे आप यहाँ पर बैठे हुए हो, क्या क्या कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, अगर कथा में नहीं बैठते तो क्या होता, दूसरी जगह पर बैठते, दूसरी जगह पर बैठते इधर उधर दुनिया की बात करते,
तो फिर इसमें क्या होता, वंदना का कारण बनता। लेकिन यहाँ पर जो हम बैठ कर कथा सुन रहे हैं, किसकी कथा सुन रहे हैं, ठाकुर जी की, वो कहानों के माध्यम में कथा को द्वारा ठाकुर जी अंदर में जा रहे हैं। ठाकुर जी क्या जाते हैं, इधर राधा और इधर कृष्ण, इधर कृष्ण और इधर राधा, दोनों कान में कथा जाकर क्या करते, हृदय में जाकर वहां बैठ जाएगी तुम्हारी हृदय में। ये कहती है कान नहीं, दोना 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 होता है ना, दोना के क्या करते पीते हो ना, दोना में दाल सब्जी सूप पीते हो, ये कान देखो ठाकुर जी तो दोना जैसे बनाया, बस ये कान में रस पियो, बस हृदय में जाएगा है, हृदय में जाएगा तो बस आनंद में भरपूर। इसलिए श्रीनंद सुभद्राणी रथांग बाणी बोले जन्मानी कर्माणी छजानी लोके, उनको जो अप्राकृत दिव्य कथाओं को जब धीरे 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 कथा हम श्रवण करेंगे, फिर हमारा हृदय का जितने सारे हाँ भगवान जितने अनर्थ सबके सब दूर हो जाएगा, और एक दिन जाकर ठाकुर जी हृदय में जाकर के बैठ जाएंगे। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, एक बार हाथ उठाकर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, और एक बार जोर से बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, इस कथा सुनते फिर क्या करनी चाहिए, कहते भगवान की नाम ग्रहण करनी चाहिए। ठाकुर जी की कैसे लेनी चाहिए, देखो बहुत अच्छी बात बताए, बोले एवं प्रतः स्वप्रिय नाम कृत्वा जाता अनुराग द्रुत चित उच्च। बहुत अच्छी बात यहाँ पर बताते, जैसे हम व्रत धारण कोई व्रत रखते हैं ना, व्रत मतलब क्या, दृढ़ हम ये व्रत रखेंगे, एकादशी व्रत शनिचर कोई व्रत रखते हैं ना, व्रत मतलब दृढ़ता पूर्वक। इसलिए जीवन में किस चीज को अपना जीवन में व्रत बनाओ, दृढ़ता किस चीज को जीवन में व्रत बनाओ, बोले भगवान का नाम को, भगवान का नाम को जीवन में सबसे बड़ा व्रत बनाओ। ठाकुर जी की नाम को जीवन में व्रत बनाओ, बोले कौन सा नाम, बोले सो प्रिय नाम, अपना जो प्रिय नाम को व्रत बनाओ। बोले हमारा प्रिय नाम क्या है, क्या हमारा प्रिय नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारा जो सबसे प्रिय नाम है ये हरे कृष्ण महामंत्र। जैसे दूसरे दूसरे संप्रदाय में भी नाम है, कोई कोई कहते श्रीमद नारायण नारायण नारायण, कोई ओम नमः भगवते वासुदेवाय, कोई कहते हैं श्री कृष्ण शरणम मम, कोई कहते हैं राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम। हाँ, अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग नाम है। कहते यहाँ पर कहते सो प्रिय नाम, अपना प्रिय नाम को लो। हमारे संप्रदाय में हमारा प्रिय नाम, सबसे बड़ा प्रिय नाम किया ये हरे कृष्ण महामंत्र, हमारी ये प्रिय नाम, हमारा यही हमारा प्रिय नाम, सबसे प्रिय नाम हमारा यही है। कहते ये नाम को क्या करो, बोले जीवन का व्रत बना लो, इसको व्रत जीवन में बनाओ। लेकिन तब यहाँ पर कहते हैं, आप कहते हो प्रिय ये नाम को व्रत बनाओ, लेकिन आप कभी कभी देखना भगवान के नाम में रुचि नहीं होती, दूसरे दूसरे चीज में ना बड़ा रुचि आ जाती है, लेकिन भगवान के नाम में रुचि नहीं आती है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं भगवान का नाम तो मीठा है, इससे मीठा दुनिया में कुछ नहीं। जीवन में अगर सबसे ज्यादा मीठा किसी में है भगवान की नाम में। इसलिए महाप्रभु कहते हैं प्रतिपदम पूर्णा मृत आस्वादनम, भगवान का नाम में प्रतिपद पद में एक नई रस आस्वादन होता है प्रभु का नाम में है। लेकिन इसी जगत में देखना, इसी जगत में कोई भी चीज हो ना, ज्यादा दिन अच्छी नहीं लगेगी, पहले पत्नी बड़ी अच्छी लगती है, पहले चंद्रमुखी, फिर उसके बाद में सूरजमुखी, फिर ज्वालामुखी, फिर लड़ाई झगड़ा है पहले लगता है। फिर इसी जगत में जैसे बढ़िया कोई रसगुल्ला हो, कोई रसगुल्ला हो, बोले एक रसगुल्ला खाओ कैसे, बोले वाह बढ़िया सुंदर मीठा, बोले और एक रसगुल्ला खाओ, बोले कैसे, बोले हाँ अच्छा, बोले और एक रसगुल्ला खाओ, बोले कैसे, बोले हाँ
अच्छा है, बोले और, बोले नहीं और नहीं, बोले नहीं और एक चलेगा, अगर किसी तरह और एक चला दिया, बोले और एक, बोले उल्टी हो जाएगी, और एक खाओ तो ये उल्टी हो जाएगी, नहीं और नहीं। देखो ये दुनिया में बेटा कहीं खो गया, बेटा पागल हो गए, बेटा कहाँ खो गया, कहाँ खो गया बेटे, कहाँ खो गया। अगर बड़े कष्ट से बेटा मिली है ना, बेटा तू कहाँ चला गया था, गोद भरता है, तू कहाँ चला गया था बेटा, कहाँ, एक बार फिर, बेटा तू कहाँ चला गया था, दो बार, बेटा तू अभी जा खेल, अभी खेला है ना। अब देखना इस जगत में कोई भी चीज हो ना, वो धीरे धीरे वो आनंद धीरे धीरे घटने लग जाएगी, धीरे धीरे आनंद तुम घटने लग जाएगी। लेकिन कृष्ण नाम में कृष्ण कभी आनंद इसमें घटेगी नहीं। जितने नाम लो प्रतिपदम, मतलब प्रति पद पद में एक नई 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 आनंद आती है भगवान का नाम में। हाँ, इसलिए देखो कोई बढ़िया से बढ़िया सिनेमा आ जाए ना, बढ़िया से बढ़िया कोई फिल्म आ जाए, एक बार देख लिया बोले क्या बात, क्या दिखाया, दूसरा बार जाओगे ना कैसे, बोले हाँ अच्छा दिखाया, तीसरा बार बोले हाँ, चौथा बोले नहीं, और नहीं जा सकते। कोई भी फिल्म, बढ़िया से बढ़िया फिल्म हो, अब दो बार दस बार देखो और इच्छा करेगी, कोई अच्छा करेगी इच्छा, बोले नहीं और नहीं देखना, हो गया। लेकिन देखो हम लोग हरि माला में हरि नाम करते हैं, माला में दिन भर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हमारे भक्त लोग देखो तीन बार माला लेकर केवल एक ही हरे कृष्णा, और कुछ है इसमें, तीन बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, दिन भर हरि नाम करते हैं और कुछ करते हैं, दिन भर हरि नाम और तो कुछ करते नहीं, केवल हरि नाम ही करते हैं, हैं? और उसमें एक एक लाख, दो दो लाख, तीन तीन लाख है। लेकिन इसी जगत में देखना, कोई इसी जगत में कोई कवि नहीं बहुत बढ़िया कोई पोएट लिखा, अब चार दस बार पढ़ लो इच्छा नहीं करेगा। लेकिन हम लोगों को देखो रोज एक ही कीर्तन, संसार नळली ढलोक त्राणाय कारुण घन घन त्वं प्राप्त सकल्याण गोनार्णवास वंदे गुरु श्री चरणारविंद। हम रोज सवेरे गाते हैं ना, रोज सवेरे गाते, विरक्ति लगती है रोज वही वैष्णव ठाकुर दयाल सागर, विरक्त लगती है रोज एक ही ठाकुर जी का आरती उतारते हैं, विरक्त लगती है। जैसे ठाकुर जी सवेरे दर्शन किया, फिर दोपहर को दर्शन किया, फिर शाम को दर्शन किया, फिर रात को दर्शन किया। अब देखना जब जब ठाकुर जी को दर्शन करते हो कभी विरक्ति आती है तुम्हें नहीं, ऐसे क्या लगता है, जैसे पहला बार हम पहला बार जैसे ठाकुर जी को दर्शन कर रहे हैं ऐसे लगता है ना ठाकुर जी को। यद्यपि हमारे अंदर में प्रेम नहीं है अभी तक आया नहीं, तब भी ठाकुर जी हमें जब जब देखो, मंगल आरती, दोपहर आरती, संध्या आरती, शयन आरती है, दिन भर जितना बार देखो लगता है ठाकुर जी जैसे नए ठाकुर जी है, नए लगते हैं। हाँ, इसलिए भक्ति में ये एक विशेष चीज है, हाँ? इसलिए कहते भगवान का नाम तो सबसे ज्यादा मधुर है, इसलिए भागवत में बताए बोले मधुरंग मधुरम मेतत मंगलंग मंगला नाम सकल निगम बल्ली सत्फल चीत स्वरूपम सकृदपि परिगीतम श्रद्धया है लयाबा भृगुवर नर मात्र तारयत कृष्ण नाम। बोले कृष्ण नाम कैसे है, बोले मधुर सभी मधुर, मीठा सभी मीठा, मंगल सभी मंगल। इसलिए बल्लभाचार्य कहते हैं बोले आधरंग मधुर पादनंग मधुर हासितंग मधुर नयनंग मधुरम हृदयंग मधुर गमनंग मधुर माधुराधिपते राखिलंग मधुर माधुराधिपते राखिलंग। इसलिए कृष्ण का
कृष्ण है ना पूरा मिठाई मीठा रसगुल्ला, जिधर खाओ जिधर खाओ उधर ही मिठाई, जिस तरफ पे खाओ मिठाई को रसगुल्ला राबड़ी मलाई है और गुलाब जाम जिधर खाओ मीठा। इसलिए कृष्ण कैसे हैं वो रसी रस है, कृष्ण नाम रसी रस है, लेकिन कृष्ण नाम तो रसी रस है लेकिन अभी हमें रस नहीं लग रहा। हमें ये दुनिया की कोई बात हो ना, कोई दुनिया की कोई किसकी चुगली निंदा होना देना कान खड़ा हो जाएगा, जोश आ जाए उसमें। हाँ उसमें किसने किसने गुरुदेव को बोला, बोले गुरुदेव जब भजन करते हैं ना उस समय नींद आती है, जब भजन करते हैं उस समय हमें नींद आती है। गुरुदेव ने कहा जो नोट का गड्डी जब गिनता हो तुमको नींद आती है, गुरुदेव ने कहा जब नोट की गड्डी जब गिनता हो नींद आती, बोले गुरुदेव उसमें नींद तो चली जाती है कहीं गायब हो जाती है। इसलिए गुरुदेव ने कहा देखो कारण यही है, जिस चीज की तुम्हें कीमत जानते हो ना, जिस चीज की तुम कीमती जानती हो वो चीज में कभी हमें कभी वो चीज में तुम्हें अनादर नहीं आती, नींद नहीं आएगी है। इसलिए यहाँ पर बताए भगवान का नाम तो मीठा है, उससे मीठा दुनिया में और कुछ मीठा नहीं हो सकता है, लेकिन अभी हमें मीठा नहीं आ रही। बोले क्यों क्यों मीठा नहीं आ रही, बोले कारण है वो रूप गोस्वामी कहते ना जीवा हमारी जो जीवा है उत्तप्त तप्त रसनास नरक्षिकानो, कहते हमारा जो जीवा का जो टेस्ट है ना ये परिवर्तन हो गया है अविद्या को द्वारा, ये जीवा पूरा अविद्या को द्वारा पाप को द्वारा अनर्थ को द्वारा ये जीवा एकदम ढक गया है, उसे उत्तप्त हो गया है। फिर क्या करनी चाहिए, इसलिए पहले पहले डॉक्टर लोग बोलते थे देखो मिश्री चूसा करो, लेकिन मिश्री भी तुमको कड़वा लगेगी लेकिन छोड़ना नहीं चूसते रहना, बस चूसते चूसते जब वो कड़वापन खत्म हो जाएगा ना फिर इतने मीठा लगेगा इतने मीठा लगेगा, फिर नाम तुमसे छूटेगी नहीं, नाम तुमसे छूटेगी नहीं। इसलिए पहले क्या करनी चाहिए, बोले अनुदिनम, अनुदिनम मतलब होता है तुमको नाम अच्छी नहीं लगने पर भी, नाम तुम्हें अच्छी नहीं लगने पर भी नाम करते रहो छोड़ना नहीं। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब ये नाम लेते रहेंगे फिर क्या होगा, जातानुराग, फिर क्या होगा धीरे धीरे नाम का प्रति अनुराग आएगा, पहले तो अच्छा नहीं लगेगा उसके बाद में धीरे धीरे अच्छी लगने लग जाएगी। अगर जब नाम तुमको अच्छी लगने लग जाए ना बस जीवन धन्य हो गया, समझो तुम्हारा जीवन धन्य हो गया भगवान के नाम में, तब तुम्हारी रुचि आ गई तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। उसके बाद में क्या होगा, बोले द्रुत चीत उच्चई, जब भगवान का नाम तुम्हें अच्छी लगने लग जाएगी तुम्हारा जो हृदय है ना नाम लेते ही आंखों से आंसुओं की झरी बहने लग जाएगी, तुम्हारी रोंगटे खड़े हो जाएगी, हृदय प्रेम में गदगद हो जाएगी भगवान का नाम लेते हुए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, क्या कहते हैं महाप्रभु, क्या बोलते हैं सुप्त श्लोक में, बोले नयनम गलदस्त्र धारया बदनम गदगद हृदय गिरा पुलकैर निचितं बपो कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। बोले प्रभु कब जीवन में ऐसे दिन आएगा, बोले कौन सा दिन चाहते हो हैं, क्या चाहते हो, बोले तेरे नाम लेते ही हैं हृदय गदगद हो जाएगा, आंखों से आंसुओं की झरी बहने लग जाएगी हैं, कंठ रुद्ध हो जाएगा तुम्हारी नाम लेते। प्रभु कब ऐसे दिन आएगा तुम्हारा नाम लेकर के हमारे जीवन में ये स्थिति आएगी, तुम्हारे नाम को लेकर के हृदय गदगद प्रेम गदगद हो जाए, बस। बोले दुर्त चीत उच्चई, जब ऐसे तुम्हारी हृदय हो जाएगा ना फिर क्या होगा, अगर जब तुम्हारे नाम लेकर के आंखों से आंसू झरी बहने लग जाए हृदय प्रेम में गदगद हो जाए, फिर तो जैसे टीवी देखते हैं ना, टीवी में जैसे सीरियल देखते हैं ना टीवी में, ऐसे ही तुम्हारे हृदय में कृष्ण लीला की सीरियल प्रकट हो जाएगी। कृष्ण लीला की जो सीरियल है ना बड़े सुंदर सुंदर कृष्ण लीला तुम्हारे हृदय में सुंदर सुंदर कृष्ण लीला देखने लग जाएगी। कृष्ण मक्खन चुराते हैं, कृष्ण गैया चराते हैं, कृष्ण रास रचाते हैं, कृष्ण
गोपियों को साथ में लीला करते, सखाओं को साथ में, भरत हृदय में पूरा कृष्ण लीला की सीरियल तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी, बस जीवन तुम्हारी धन्य हो जाएगी तुम्हारी। इसलिए कब फिर क्या करेगा, बोले हसत्यथ, वो हंसने लग जाएगा, बोले हंसेगा क्यों, क्या पागल है, बोले हाँ पागल है, कोई कई कोई पागल है धन दौलत के, कोई पागल है बेटा नारी के, कहती है जितने सारे पागल है जो झूठा पागल है, बोले सच्चा पागल कौन है, जो पागल है श्री बाके बाके बिहारी के, कहते वो असली पागल है जो पागल है श्री बाके बिहारी के प्रेम में, जो पागल होता है ना वो सही पागल है। इसलिए पागल होकर क्या करेगा, पागल पागल होकर के हसत्यथ, हंसने हा 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 हंसने लग जाएगा, बोले हंसेगा क्यों, कारण है उसका हृदय में ठाकुर जी दर्शन देंगे, ठाकुर जी की लीला प्रकट में हो जाएगी। तो वो एक लीला कहते हैं, कहते एक समय कोई एक गोपी है, कहते एक समय में कृष्ण किसी गोपी के घर में मक्खन चोरी करने के लिए गए। जब मक्खन चोरी करने के लिए गए, वो गोपी पहले से ही मक्खन को मक्खन को मटके में रख करके रखती थी और कोने में छुप करके बैठी हुई थी। आज कृष्ण आएगा ना, उसको मैं जरूर पकड़ूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं कृष्ण को। इतने में कृष्ण आए और मक्खन को खाने लगे, गोपी कुछ बोली नहीं, क्यों, वो कृष्ण के लिए ही बनाया है। लेकिन जब कृष्ण मक्खन खा लिया ना, इतने में गोपी झट पकड़ लिए, बोले आज कहाँ जाओगे, आज तेरे को मैं छोड़ूंगी नहीं, चलो तेरे को मैं आज घर में बांध कर रखूंगी। बोले ये खंबे के ऊपर हाथ रख, मैं बांधूंगी। कृष्ण खंबे के ऊपर हाथ रखे और अपना जो फीता था ना चोटी में, वो फीता को निकाले, निकाल कर कृष्ण को जो बांधने के लिए जाए, कृष्ण का हाथ तो बड़ा कोमल हाथ है, बड़े नरम कोमल हाथ, बंधने में नहीं है, किसे के जाए। इतने में कृष्ण कहते हैं, गोपी तुमने कभी जिंदगी में बंधी गई हो, बोले नहीं, बोले जब तक तुम स्वयं बंधी नहीं जाओगी तब तक दूसरों के बांधो कैसे, पहले तब तक तुम बंधी जा तब तक सीखोगे। बोले कन्हैया तेरे को क्या बांधना आता है, बोले और क्या, मैं तेरे को बड़े सुंदर, बोले दिख सिखा दे, बोले रख खंबे के ऊपर हाथ रख, अभी तेरे को मैं सिखाता हूँ। उसने एक लपेटे, दो लपेटे, एक गांठ, दो गांठ, कूण गांठ अच्छे तरह से बांध दिए। बोले कन्हैया तेरे को तो बड़े सुंदर बांधना आता है, बोले और क्या, मैं तो बड़े बड़े योगी ज्ञानी भोगी को कभी अपना प्रेम में उन्हें भी बांध देता हूँ, हैं? बोले कन्हैया खोल दे, बोले गोपी अभी तक तो मैंने किसी को खोलना कभी सिखाई नहीं, मैं तो केवल बांधना ही सीखा, मैं तो कभी किसी को कभी खोलना सीखा ही नहीं। बाज कृष्ण ना तो क्या भागे वहां से, उसको हृदय में जब ऐसे ऐसे लीला उसका हृदय में प्रकट होता है, भगवान की लीला को देख कर हंसने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं, जमीन के ऊपर लौट पौट खाने लग जाते हैं, प्रेम में विभोर हो जाते हैं कृष्ण, हैं? कैसे, बोले जब भगवान के नाम में तुम्हारी रुचि होगी। इसलिए बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हिताय गौर प्रेमानंद हरे हरे। ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नितय गौर हरि बोल हरि बोल।
इताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बोले श्री गिरिराज महाराज की आज के आनंद की जय जय श्री राधे। हाँ चलो।